हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारोट नंदीस ऑल इन वन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जो ओपन होगा 19 जून 2024 को। कंपनी का नाम है डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो आज हम इस कंपनी का टोटल एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, कंपनी की शुरुआत 1988 में हुई है। डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो इंजीनियरिंग खरीद और विनिर्माण के माध्यम से तेल, गैस, बिजली, रसायन और अन्य प्रक्रिया उद्योग के लिए विशेष प्रक्रिया पाइपिंग समाधान प्रदान करती है। कंपनी उच्च दबाव पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग स्पूल, उच्च आवृत्ति इंडेक्स पाइप बैंड, अनुदैर्ध्य रूप से जलन आर्क वेल्डिंग पाइप, औद्योगिक पाइप फिटिंग, दबाव वाहिकाओं, औद्योगिक स्टेक, मॉड्यूलर स्किड और सहायक उपकरण सहित पाइपिंग उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति करती है। इन सहायक उपकरणों में बॉयलर, सुपर हीटर कॉइल्स, डी सुपर हीटर और अन्य अनुकूलित निर्मित घटक शामिल है। कंपनी की पलवर हरियाणा में 7 विनिर्माण सुविधाएं हैं, अंजार गुजरात, बाड़मेर राजस्थान, नुमालीगढ़ असम और विदेश में बैंकॉक थाईलैंड, और 3 विनिर्माण सुविधाएं पलवर हरियाणा में स्थित है। कंपनी ने हाल ही में पलवर फैसिलिटी में पायलट प्लांट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण और विनिर्माण की पेशकश करते हुए एक नए बिजनेस वर्टिकल में विस्तार किया है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी में 1061 कर्मचारी है, जिनमें CWV जैसे प्रमाण पत्रों के साथ 54 अत्यधिक कुशल वेल्डर शामिल है और 53 कर्मचारी NDE स्तर पर है, और 53 कर्मचारी NDE स्तर जैसे प्रमाण पत्रों के साथ गैर विनाशकारी परीक्षा में अत्यधिक कुशल है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में। कृष्णा ललित बंसल, आसिमा बंसल और DDE पाइपिंग कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर है। अब हम जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े करोड़ों में दिए गए हैं। साल 31 मार्च 2021 में कंपनी को 14.21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2022 में कंपनी को 8.20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। साल 31 मार्च 2023 में कंपनी को 12.97 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 31 दिसंबर 2023 में कंपनी को 14.34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहे हैं। नेटवर्थ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के पास सरप्लस कैश 380.23 करोड़ की है, जो अच्छी बात है, और टोटल बोरोइंग 407.14 करोड़ की है। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमें कंपनी प्रॉफिट करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के इश्यू लाने के उद्देश्य के बारे में बात करें तो कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का वित्त पोषण कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों का सभी या आंशिक हिस्से का पूर्व भुगतान या पुनः भुगतान और कंपनी सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में किया जाएगा। डी पाइपिंग सिस्टम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 19 जून 2024 को और आईपीओ क्लोज होगा 21 जून 2024 को। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है। आईपीओ की प्राइस 193 से 203 रुपए पर शेयर रखी गई है। हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, यानी कि 203 रुपए पर। लॉट साइज 73 शेयर की है। इश्यू की साइज 418.01 करोड़ की है। फ्रेश इश्यू 325 करोड़ के शेयर हो गए और ऑफर फॉर शेयर 93.01 करोड़ के शेयर हो गए। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट 19 रुपए पर शेयर रखा गया है। इश्यू टाइप ऑफ बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। कंपनी के रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एचएनआई एनआईए के लिए 15% का पोषण रिजर्व रखा गया है। डी पाइपिंग सिस्टम आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 19 जून 2024 को, आईपीओ क्लोज होगा 21 जून 2024 को, शेयर का अलॉटमेंट होगा 24 जून 2024 को, पैसे कटने और रिफंड की प्रोसेसिंग होगी 25 जून को, आईपीओ मिला होगा उसे शेयर उसके डिबेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 25 जून को, आईपीओ की लिस्टिंग 26 जून 2024 को होगी। डी पाइपिंग सिस्टम आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मिनिमम एक लॉट में 73 शेयर है, उसकी अमाउंट है 14,819 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट में 949 शेयर है, उसकी अमाउंट है 192,647 रुपए। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट में 1,022 शेयर है, उसकी अमाउंट है 207,466 रुपए। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट में 4,891 शेयर है, उसकी अमाउंट है 992,873 रुपए। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट में 4,964 शेयर है, उसकी अमाउंट है 107,692 रुपए। डी पाइपिंग सिस्टम आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्री इश्यू की शेयर होल्डिंग 100% की है, जो लिस्टिंग होने के बाद पोस्ट इश्यू की शेयर होल्डिंग उससे भी थोड़ी कम हो जाएगी। डी पाइपिंग सिस्टम आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंकिंग टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको इसकी वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस का भी पता चल जाएगा। डी सिस्टम आईपीओ के लीड मैनेजर है SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, एक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लीड मैनेजर है। अब हम जान लेते हैं कंपनी की पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन के बारे में। डी कंपनी जैसी एक और कंपनी शेयर बाजार में पहले से ही लिस्टेड है, उसका नाम है ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड।
वर्ष 2022-23 की आमदनी के नजर से डी पाइपिंग सिस्टम दूसरी पीयर कंपैरिजन के मुकाबले छोटी कंपनी है। कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वर्ष 2022-23 की आमदनी के अनुसार प्राइस टू अर्निंग रेशियो 82.86 का है। तो गाइस कंपनी की वैल्यूएशन दूसरी पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी से दो गुनी रखी गई है और हमारे लिए यहाँ पर वैल्यूएशन गैप छोड़ा गया नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.54 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.14% का है, जो दूसरी पीयर कंपैरिजन वाली कंपनी के मुकाबले काफी कम है। तो गाइस इस कंपनी की वैल्यूएशन काफी महंगी रखी गई है और हमारे लिए वैल्यूएशन गैप छोड़ा गया नहीं है। तो गाइस क्या हमें इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए? तो गाइस आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले मार्केट के मूड माहौल को देखना पड़ेगा और ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है वो देख आप अप्लाई करने का मन बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट तो काफी अच्छा है और इसकी बिजनेस में हमें आगे ग्रोथ की उम्मीद नजर आ रही है। कंपनी की खराब बात यह है कि इसकी वैल्यूएशन महंगी रखी गई है, जहां इसका पीई रेशियो 83 के करीब है। इस पब्लिक इशू में हमें छोटा मोटा लिस्टिंग गेन या नुकसान भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मार्केट के मूड और ग्रे मार्केट प्रीमियम के डिमांड को देख आप इसमें अप्लाई करने का मन बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹50 पर शेयर चल रहा है, यानी कि एक लॉट पर ₹50 प्रीमियम के हिसाब से ₹3,650 का प्रॉफिट आज के दिन पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज में बात करें तो 24.63% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपकी इस आईपीओ के बारे में क्या राय है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के हिसाब से बनाया है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके ब्रोकर और आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह जरूर लें। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।